15 और 16 में हम लोग राहुल के नियम और हेनरी के नियम का डिस्कशन किए थे कि राहुल के नियम क्या है। अब राहुल के नियम के आधार पर ही हम लोग बिलियन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो राहुल के नियम का पालन करने वाला बिलियन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं और राहुल के नियम का पालन नहीं करने वाला बिलियन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग इस पार्ट में पार्ट 17 में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन इसी को हिंदी में बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को आदर्श सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में हम लोग केवल आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। अब आप लोगों को हम एक महत्वपूर्ण बात बतला देना चाहते हैं कि यदि अगर आप हमारे वीडियो को ए टू जेड क्लासेस का पढ़ाई से संबंधित वीडियो को चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि इससे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिले। तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिफिनेशन देने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसा द्रव्य द्रव बिलियन जो प्रत्येक ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राहुल के नियम का पालन करता हो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रत्येक सांद्रण और ताप की स्थिति में राहुल के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात ताप को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो भी राहुल के नियम का पालन करता हो तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें क्या हम लोग जोड़ेंगे पैराग्राफ चेंज करके आइडियल सॉल्यूशन के डिफिनेशन में कि जिसके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। तो हम लोग पूरा डिफिनेशन क्या देखे आइडियल का, वैसा द्रव बिलियन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राहुल के नियम का पालन करता हो एवं जिसके निर्माण में आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता हो उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम लोग देखते हैं 50 ml विलेय बना दिए तो ये बन जाता है यदि 100 ml बिलियन 50 ml विलायक में 50 ml विलेय मिलाकर यदि 100 ml बिलियन बन जाता है और ना ही उष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है तो ये बनने वाला बिलियन आदर्श बिलियन कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या देखेंगे, बेंजीन प्लस टॉलिन। पहला एग्जांपल हम लोग आदर्श बिलियन का, जब बेंजीन में टॉलिन को मिलाते हैं तो आदर्श बिलियन का निर्माण होता है। अगला नंबर एग्जांपल हम लोग देखेंगे CCl4 प्लस सिलका। सिलका दोनों को CCl4 में जब सिलका को मिलाते हैं तो बनने वाला बिलियन आदर्श बिलियन बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस और ब्रोमोबेंजीन के सॉल्यूशन को बिलियन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन देखे और उसका एग्जांपल देखे। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का विशेषता देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक में विशेषता प्रॉपर्टी गुण इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यह है कि सभी ताप एवं सांद्रण पर राहुल के नियम का पालन करता है, अर्थात कोई बिलियन दो अवयव से मिलकर बन रहा है, ए और बी से मिलकर ये बना हुआ है तो दोनों अवयव राहुल के नियम का पालन करेगा। मतलब राहुल का नियम हम लोग पिछले पार्ट 15 में हम लोग पढ़ चुके हैं, P0A × XA, PB = P0B × XB, मतलब दोनों अवयव राहुल के नियम का पालन करता हो। तो ये पहला प्रॉपर्टी है कि PA बराबर ये होगा, PB = P0B × XB होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे,
इसके अव्यव को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल्टा भी, डेल्टा मिक्सचर का जो बिलियन बन रहा है उसका आयतन जीरो होता है, मतलब डेल्टा भी मिक्सचर का मान शून्य होगा, मतलब आयतन में इनिशियल आयतन और फाइनल आयतन दोनों बराबर होता है, इसलिए दोनों का डेल्टा, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस को व्यक्त करता है, तो दो आयतन का डिफरेंस क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इंथैल्पी, डेल्टा इंथैल्पी मतलब इसके इसके अव्यवों को मिलाने पर बनने वाले बिलियन का इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल्टा मिक्सचर एच, मतलब बिलियन का जो मिक्सचर है उसकी इंथैल्पी है, उसका इंथैल्पी और इनिशियल इंथैल्पी दोनों समान होता है, इसलिए उसका डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखे, राहुल के नियम का पालन करता हो, इंथैल्पी में कोई, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब डेल्टा मिक्सचर भी बराबर जीरो, डेल्टा मिक्सचर एच बराबर, इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या, इसके प्रत्येक अवयव की संरचना समान होती है, इसके प्रत्येक अवयव ए और बी प्रत्येक अवयव की संरचना समान होती है, अर्थात इसमें क्या होता है, प्रत्येक आयन का साइज, प्रत्येक कण का साइज और पोलारिटी बराबर है, प्रत्येक प्रत्येक का पोलारिटी और साइज क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखे। पांचवा प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं इसका क्या, कि इसके अंतःक्रिया और समान अणुओं के बीच और असमान अणुओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का मान समान होता है, मतलब ए ए ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है, ए बी का इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के बराबर होता है, मतलब ए और बी जो बिलियन बन रहा था वो बिलियन के अणुओं के बीच का इंटरेक्शन शुद्ध अवस्था में अणुओं के इंटरेक्शन के बीच इंटरेक्शन के बल के बराबर होता है, मतलब क्या ए ए बी इंटरेक्शन बराबर होता है, ए ए इंटरेक्शन बराबर बी बी इंटरेक्शन, इसी कारण से इसके आयतन में और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग सिक्स नंबर इसका प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है कि आदर्श बिलियन हमेशा, आदर्श बिलियन में हमेशा क्या होता है तनु, आदर्श बिलियन क्या होता है काल्पनिक होता है, मतलब ये केवल ऐसा पाया नहीं जाता, ऐसा बहुत कम बिलियन पाया गया है आदर्श बिलियन, तो इसको हम लोग मानते हैं कि आदर्श बिलियन क्या होता है काल्पनिक होता है। उसके बाद आदर्श बिलियन में बिलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक एवं विलेय के वाष्प दाब के इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती होता है, शुद्ध का जो वाष्प दाब रहेगा उसी के बीच में ये पाया जाता है। और हम लोग सातवां नंबर क्या देखेंगे, प्रायः सातवां नंबर ये देखे, आठवां नंबर विशेषता में क्या देख रहे हैं कि प्रायः तनु, तनु बिलियन, प्रायः जो तनु बिलियन होता है वो राहुल के नियम के जैसा, मतलब प्रायः तनु बिलियन जो होता है आदर्श बिलियन के जैसा व्यवहार करता है, मतलब अत्यंत तनु बिलियन रहेगा, मतलब जिसमें विलेय की विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं। तो तनु बिलियन यदि रहता है तो उसमें आदर्श के नियम का पालन होता है और वही बिलियन जो है आदर्श बिलियन कहलाता है, इसमें राहुल के नियम का पालन। तो ये हम लोग देखे थे क्या, आदर्श के बिलियन की विशेषता। अब हम लोग इसका आदर्श बिलियन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो आदर्श बिलियन के ग्राफ जो होता है राहुल के नियम के ग्राफ के जैसा होता है, क्योंकि ये बिलियन राहुल के नियम का पालन करता है। तो हम लोग आदर्श बिलियन का ग्राफ बनाने के लिए विलेय और विलायक के बीच जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम लोग राहुल के नियम में पार्ट 17 में, पार्ट 16 या पार्ट 16 में हम लोग देखे थे राहुल के नियम का, राहुल के नियम पर आधारित जो जिसमें राहुल का नियम पढ़े थे उसमें ग्राफ बनाए थे, सेम इसका भी ग्राफ वही होगा, दोनों का ग्राफ सेम होता है, क्योंकि ये आदर्श बिलियन राहुल के नियम का पालन करता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, दो अवयव से मिलकर बना हुआ है, एक ए है और एक
बी है, तो मान लेते हैं इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी जीरो ए है, इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी जीरो बी है। अब इसका मोल प्रभाज लेते हैं, तो हम लोग क्या जानते थे पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर पी जीरो बी इंटू एक्स बी, ये हम लोग देखे थे। तो यदि यहाँ पे एक्स ए का मान वन रहता है, यदि एक्स ए का मान वन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पी ए जो है पी जीरो के बराबर हो जाएगा। पी ए का अगर ये पी ए का लाइन है और ये पी बी का लाइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी ए जो है कहाँ पे जाके कटेगा, पी जीरो ए के बराबर, क्योंकि इसका मान हम लोग वन माने हैं। यदि ये मान लिया जाए जीरो, पी ए एक्स ए का मान धीरे धीरे घटते घटते वन से, क्योंकि मोल प्रभाज मैक्सिमम वन होता है और मिनिमम जीरो होता है, मोल प्रभाज मैक्सिमम वन, वन से ज्यादा मोल प्रभाज नहीं हो सकता है, और यही धीरे धीरे घटते घटते जीरो। तो मोल प्रभाज जब जीरो रहेगा तो मोल प्रभाज एक्स ए का मान जीरो दे देंगे, तो पी वी का मान क्या, पी ए का मान फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये जीरो पर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिला देते हैं, तो ये बन जाता है हम लोग को राहुल के पर ए अवयव, ए अवयव के लिए राहुल का नियम का ग्राफ। उसी तरह से बी अवयव के लिए चलेंगे, पी वी के लिए यदि एक्स बी बराबर वन मान लिया जाए, एक्स बी बराबर वन मान लेंगे तो पी वी क्या हो जाएगा, पी जीरो बी के बराबर कटान होगा, और धीरे धीरे घट के ये क्या हो जाएगा, एक्स बी यदि जीरो होगा तो जीरो यदि इसमें पुट करते हैं तो पी वी क्या हो जाएगा, पूरा को जीरो बना देगा, तो पी वी का मान जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये बी ग्राफ, ये बी अवयव के लिए, बी अवयव के लिए ग्राफ राहुल के नियम का पालन करने वाला ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों को मिलाते हैं तो ये बिलियन का ग्राफ होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी का ग्राफ, यही आदर्श बिलियन का ग्राफ। ये जो ए पी ए प्लस पी बी जो हुआ, यही आदर्श के आदर्श बिलियन का ग्राफ होता है। तो ये हम लोग देखे क्या आदर्श बिलियन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे।